स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इस मीटिंग में आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है इसको डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लास्ट चैप्टर है पेपर का और यूनिट का। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है समझेंगे आप पहले। इसमें क्या कुछ तो स्टोरेज होते हैं, कुछ तो क्या होंगे आपके पास स्टोर होंगे। और कुछ आपके लिए दे रखे होंगे क्वांटिटीज, तो अब देखिए कुछ भी नाम दे सकते हो आप स्टोर के, इनको सोर्स भी कह सकते हो, सोर्स O1, O2, O3, O4 कितने भी हो सकते हैं। और इसी तरह से आपको क्वांटिटीज होगी, क्वांटिटीज दी जाएगी। तो यहां पढ़ते क्या है हम कि जैसे मान लीजिए सप्लाई करनी है हमें किसी भी आइटम्स की, जैसे कि हम डिस्कस करें कि ओवन सोर्स है, इससे हमें सोर्स ओवन से और हमें माल की सप्लाई करनी है A1 के लिए, कि इस ओवन से ए के लिए माल की सप्लाई करनी है। तो अब यहाँ ओवन सोर्स से ए के लिए कितना कितनी डिमांड भी कह सकते हो आप इनको, यहाँ D1, D2, D3, D4, D5 भी हो सकती है। कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके लिए इसके, AIVJ। ओके, देखिए यहाँ AI A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 बट सिग्मा AI इक्वल टू सिग्मा BJ। AI और BJ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए O1 O2 O3 O4 तो क्या है, ये सोर्स हैं, और कुछ फैक्ट्री की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हो इन सोर्स से D1, D2, D3, D4, D5 इनके लिए क्या है, इनके लिए जो डिमांड है वो A1, A2, A3, A4, A5 यूनिट्स की है, और सोर्स जो है O1, O2, O3, O4 इन पर जो अवेलेबल हैं B1, B2, B3, B4 यूनिट्स अवेलेबल हैं। अब यहां क्या होगा कि जैसे O1 सोर्स से D1 को अगर मान लो आवश्यकता है कुछ क्वांटिटीज की, और वो मान लीजिए A11 हो, कितनी भी हो सकती है, यहां से A1 है टोटल, और यहां जरूरी थोड़ी है A1 ही आए, यहां कुछ भी हो सकती है A11। दूसरा O2 सोर्स से D1 के लिए जो डिमांड है वो मान लीजिए A12 हो, सेम A13 हो, कुछ भी डिमांड हो सकती है इस तरह से, सेम O2 के लिए, सेम O3 के लिए, O4 के लिए। यहाँ इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे क्या, शॉर्ट में समझे तो कुछ गोदाम होंगे या ये कह दें फैक्ट्री होंगी, उन फैक्ट्री से माल सप्लाई करना है और माल कुछ इस तरह से सप्लाई करना है कि जो भी चार्ज आए, जो भी कॉस्ट आए
माल को सप्लाई करने के लिए गोदाम से लेकर के यानी फैक्ट्री से लेकर के, हाँ यहाँ फैक्ट्री होगी वहाँ गोदाम भी होते हैं सभी के, तो वहाँ से क्या है माल को सप्लाई करना है जितनी भी शॉप्स है ना मार्केट में उनमें। तो अब ये है कि जो शॉप है ना मार्केट में उन पर अगर सप्लाई करें तो किस रास्ते से जाएं, कौन सा पाथ सेलेक्ट करें जिससे कि हम मिनिमम टाइम मिनिमम डिस्टेंस, और जब मिनिमम डिस्टेंस होगी तो अपने आप ही पेट्रोल वेट्रोल पेट्रोल वगैरह है डीजल है जो भी है फ्यूल उसका भी चार्ज क्या होगा कम होगा। तो इस तरह से सेलेक्ट करना होता है यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ सब कुछ ये निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। तो पहले आप लिखेंगे सभी हेडिंग डालें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और इसमें भी लिखेंगे आप क्या हुआ ऐसे, मैंने लीव नहीं किया इसीलिए मुझे पता है कुछ रनिंग में है। लिखेंगे सभी स्टूडेंट द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी The transportation problem can be interpreted as follows. As follows. Line change करके लिखेंगे अब आप। Suppose there is an N factories called the origin or sources O1, O2, O3, OM O1, O2, O3, OM which produce non-negative quantities यानी यहाँ जो इन पर प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं ना वो A1, A2, AM, non-negative quantities, A1, A2, A3, AM, of a product, and non-negative quantities B1, B2, B3, BN B1, B2, B3, BN of the same product n, ऊपर वाले में m है, O1, O2, O3, OM, A1, A2, A3, AM, B1, B2, B3, BN, लिखो तो सही, of the same product are required at other end placed called destinations assuming that
एज्यूमिंग दैट द टोटल अवेलेबल क्वांटिटी, द टोटल अवेलेबल क्वांटिटीज इज इक्वल टू द टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड दैट इज सिग्मा ए आई इक्वल टू सिग्मा बीजे। मतलब जितने जो फैक्ट्रीज है ना वहां से प्रोडक्ट की जो यूनिट्स हैं उनका प्रोडक्शन हो रहा है उतनी ही क्या है सप्लाई हो रही हो, जितने का आप क्या उत्पादन कर रहे हो उतने की क्या डिमांड हो, सप्लाई भी साथ साथ होती रहे, कंडीशन है ये। जितनी यूनिट्स आपको जरूरत है भाई, माल जब आप फैक्ट्री में जो भी माल बनता है वो डिमांड के अकॉर्डिंग बनता है ना, जितने की हमें जरूरत है या कहीं से ऑर्डर आएगा उतना ही तो प्रोडक्शन करेंगे ना आप। वो एक अलग बात है कि किसी दूसरी फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में माल की सप्लाई नहीं हो पा रही, यानी माल अगर एक फैक्ट्री में नहीं बन पा रहा है तो अपनी दो या तीन फैक्ट्रियों को ऑर्डर दे देंगे कितना इतना माल है इसको कंप्लीट करो, और जब सभी से कंप्लीट करने के लिए बोल देंगे तो डिमांड होगी ना, जितने के लिए ऑर्डर आया होगा उतना ही माल है कंप्लीट किया जाएगा सभी फैक्ट्री से। ऐसा नहीं है ओवर बना के रख दें, क्योंकि क्या पता आगे आने वाले टाइम पे कोई दूसरा जो है और दूसरे तरह का प्रोडक्शन हो। तो इसमें क्या है, समेशन ए आई इक्वल टू समेशन बीजे होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, आल्सो सपोज दैट, सी आई जे इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑफ एन यूनिट फ्रॉम आईएथ ओरिजन, या ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम आईएथ सोर्स टू, ओरिजन कहो या सोर्स एक ही बात है, फ्रॉम आईएथ सोर्स टू दी जेएथ डेस्टिनेशन इन सच ए वे that the total transportation cost total transportation cost summation I equal to 1 to m and j equal to 1 to n, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है सी आई जे, तो फिर एक्स आई जे यूनिट की कितनी होगी मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इज मिनिमम टोटल कॉस्ट इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाएगी। और ये कैसी हो, देखिए किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जब लिखोगे ना उसको लिखने के लिए एक टेबल बनाई जाती है, उस टेबल का फॉर्म समझोगे आप,
डी वन डी टू डी थ्री और ओ वन ओ टू ओ थ्री इनको चेंज करके लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोर्स इधर ये होंगे डेस्टिनेशन डी वन डी टू डी थ्री कितने भी हो सकते हैं, मान लीजिए लास्ट में डी एन है, सोर्स है ये तो हो गई डेस्टिनेशन इस साइड में डी वन डी टू डी थ्री जिनको हिंदी में गंतव्य बोलें, ये हो गए सोर्स है और इसको ओ वन ओ टू ओ थ्री ओ ये ओ ओ एम ओके। इधर लिखोगे आप रिक्वायर्ड बीजे और अवेलेबिलिटी इधर रहेगी है अवेलेबिलिटी, ये जो रिक्वायर्ड है ना इसको आप B1, B2, B3, BN अवेलेबिलिटी है इसको A1, A2, A3, A, M समेशन AI इक्वल टू समेशन BJ ये जो ए आई है आई इक्वल टू वन टू एम जे इक्वल टू वन टू एन अब देखिए यहां क्या होता है, मान लीजिए एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है यहाँ सी वन वन यहाँ सी वन टू सी वन थ्री ये कॉस्ट है इधर सी वन एन सेम सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री और यहाँ सी टू एन सेम टोटल होंगे यहाँ सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री C34, C3N, CM1, CM2, CM3, CMN, ओके ये फॉर्म रहेगी इसकी, आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी। नेक्स्ट लिखोगे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी। मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ओके इसमें लिखेंगे तीन नंबर में पूछा जा सकता है ये मैथमेटिकली फॉर्म दी ट्रां इसमें लिखें दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी क्या हो गया कौन सी लाइन कब का आया ये एसएमएस कब आया ये एसएमएस अभी आया कौन सी लाइन रिपीट करनी है ये बताओ मैथमेटिकली
ऐसे लिखना है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इससे भी पहले वाला तो ये टेबल बनाई है हमने, टेबल बनाइए, देखो टेबल क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन करोगे तब। ओके टेबल क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन कराएंगे तब, अभी तो ये तो नॉर्मली हमने यहाँ बता दिया है। पागल हो तुम भी, बहुत पहले की बातें हैं वो। और पेज खोल के चलेगी ना वो मैडम जो कह, दूसरा पेज दिख ही नहीं रहे थे वो। हाँ तो लिखेंगे अब आप, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज, STATED। मिनिमाइज जेड इक्वल टू मिनिमाइज करना है ना हमें इसमें, मिनिमाइज जेड इक्वल टू आई इक्वल टू वन टू एम समेशन जे इक्वल टू वन टू एन सी आई जे एक्स आई जे सब्जेक्ट टू कंडीशन समेशन जे इक्वल टू वन टू एम वन टू एन एक्स आई जे इक्वल टू ए आई आई इक्वल टू वन टू एम समेशन आई इक्वल टू वन टू एम एक्स आई जे इक्वल टू बी जे जे इक्वल टू वन टू एन जे इक्वल टू वन टू एन एंड एंड एक्स आई जे ग्रेटर देन इक्वल जीरो फॉर ऑल आई इक्वल टू वन टू एम कॉमा जे इक्वल टू वन टू एन। तो ये इसके मैथमेटिकली फॉर्म है। कुछ डेफिनेशन लिखाई थी आपके लिए हमने, फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और पहला पॉइंट डालोगे इसमें देखिए एक आता है आपके लिए पूछने को, इसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है ना वो है डिफरेंट बिटवीन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड ए असाइनमेंट प्रॉब्लम। हेडिंग डालेंगे आप सभी क्या, ये तो मैथमेटिकली फॉर्म है बस, ये तो इतना ही है। हाँ क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इनको लिखो है ना। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि मैथमेटिकली फॉर्म है ना इसकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, उसको लिखो बस, तीन नंबर में पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसे, क्वेश्चन तो अलग ही आएगा, बॉक्स बना हुआ आएगा, जैसे वो टेबल बनी थी ना पहले, क्वेश्चन तो आएगा वैसे, टेबल की फॉर्मेट आपको पहले ही बने हुए आएंगे, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बने हुए पहले से। कुछ भी नहीं करना तुम्हें, अरे पहले लिख तो लो, क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्म लिखवा सकता है वो, तीन नंबर में ये लिखेंगे
difference between a trans लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड एन असाइनमेंट प्रॉब्लम. और इसमें लिखेंगे आप, देखिए आपने असाइनमेंट प्रॉब्लम नहीं पढ़ी है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम आपके सिलेबस में से हटा दी गई है. अभी आपने जो A11, देखिए आपने यहाँ अभी आपको जो टेबल बनाई थी हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, जहाँ AI BJ लिखे थे और इनको हमने अवेलेबल, और जो एक तो था अपने पास अवेलेबलिटी और दूसरा था रिक्वायरमेंट. तो जो अवेलेबलिटी थी जिसको कि हमने A1 A2 A3 AM लिखा, रिक्वायरमेंट को B1 B2 B3 BM लिखा. यहाँ A1 A2 A3 जितने भी हैं और B1 B2 B3 हैं, अगर इनको 1 कर दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, 1, तो ये जो प्रॉब्लम है ना ये असाइनमेंट प्रॉब्लम बदल में, यानी इसमें अगर A1 A2 A3 AM जो भी हैं और सेम ऐसे ही B1 B2 B3 इन सभी को वैल्यू अगर 1 दे दी जाए तो ये जो प्रॉब्लम है एक असाइनमेंट प्रॉब्लम बन जाएगी, यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम में चेंज हो जाती है. तो लिखेंगे आप एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, एन असाइनमेंट प्रॉब्लम. तू पढ़े कितना ये कितना तो आ गए. एन असाइनमेंट प्रॉब्लम बाद में खोल लेना, मैं 2-3 दिन का और हूं तुम्हारी क्लास में. एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ पर्टिकुलर केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. इन विच m इक्वल टू n, इन विच स्मॉल m इक्वल टू n, कॉमा All the AI and BJ are unity. All the AI and BJ are unity and each XIJ equal to and each XIJ equal to 0 or 1. 0 or 1. ओके, कुछ डेफिनेशन लिखेंगे. फर्स्ट डालेंगे ए फिजिबल सॉल्यूशन, पहले भी आपको लिखवा चुके हैं ये फिजिबल सॉल्यूशन में लिखेंगे आप ए फिजिबल सॉल्यूशन टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम लिखोगे. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ए सेट ऑफ non-negative individual allocation which simultaneously
which simultaneously satisfies row and column sum restrictions. अब आप इस क्लास को एक बार ज्वाइन करोगे, रिज्वाइन करेंगे सभी,